आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने मांगी पेश से छूट। 11 दिसंबर को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर उनके वकील राम जेठमलानी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद केजरीवाल ने ही कई बार उन्हें कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कीजिए। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। सीमा विवाद के चलते इंडिया मार्केट में चाइनीज माल की डिमांड में भारी कमी देखने को मिल रही है। राखियों का कारोबार करने वाले कारोबारियों की माने तो उनका भी ये कहना है कि इससे पहले चाइनीज राखियों की डिमांड काफी ज्यादा रहती थी क्योंकि राखियां सस्ती और काफी कलरफुल होती थीं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल इनकी डिमांड काफी कम है। पूरे जिले के आनंद विहार करकडूमा कोर्ट के पास एक घर के बाहर तीन चोरों ने एक व्यापारी को पिस्टल की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूटे। सारा मामला कैमरे में कैद हो गया। लूट के बाद व्यापारी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी चोर को नहीं पकड़ पाया। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में अरुण नाम के एक बीएसईएस कर्मचारी की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त कर्मचारी बिजली के खंभे से काम कर रहा था, उसी वक्त स्ट्रीट लाइट में करंट आ गया। अपने साथी की मौत के बाद एम्स पहुंचे बीएसईएस कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग की। हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर खाद्य विभाग ने डेयरी पर दबिश दी। सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटी दूध दही और घी बनाने वाले व्यापारियों में हड़कंप है।